हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता और उसके बाद इस पार्टिकुलर कैंडल का फॉर्मेशन होता है, जो कि मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो उसके बाद आपको बाई साइड की तरफ नहीं जाना। अगर गैप अप ओपन हुआ, ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, तो आपको बाई साइड की तरफ नहीं जाना। अगर आप बाई साइड की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, आप ट्रैप में फंस सकते हैं, जाल में फंस सकते हैं और वहाँ पे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस पार्टिकुलर कैंडल के फॉर्मेशन के बाद आपको बाई साइड की तरफ क्यों नहीं जाना, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, वो सब हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए डिटेल से बात करते हैं। तो यहाँ पे अब हम चार्ट पे आ गए और देख सकते हैं आपका बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। अब यहाँ पे टाइम फ्रेम क्या इस्तेमाल करना, टाइम फ्रेम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको डेली टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना, डेली छोड़ के कोई भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में ही कैंडल का मैच्योरिटी आता है। और यहाँ पे हम एक पार्टिकुलर कैंडल की बात कर रहे हैं जिस पे हमें बाई साइड की तरफ नहीं जाना है, तो यहाँ पे हमें डेली टाइम फ्रेम से कम नहीं जाना है। और इसके बेसिस पे आपको इंट्राडे में भी बहुत कुछ हिंट मिल जाएगा, कैसे मिलेगा वो सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसके बेसिस पे आपको सारा ट्रेड लेने में हेल्प मिलेगा, चाहे इंट्राडे हो, BTST हो। तो चलिए इसको समझते हैं। लेकिन सबसे पहले जो कैंडल के ऊपर बात कर रहे थे वो आपका ये कैंडल है। तो इस कैंडल को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो इसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, यानी कुछ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर और डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि मार्केट का क्या होना चाहिए, मार्केट आपका अप ट्रेंड में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि यहाँ पे गैप अप ओपन होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है कि आपका ओपन इक्वल टू क्लोज होना चाहिए। चौथा पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट है कि कैंडल का साइज स्मॉल होना चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट, अगर ये आपका रेसिस्टेंस लेवल के पास बनता है तो इसका जो एक्यूरेसी लेवल है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो देखते हैं कि इस 5 पॉइंट को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहला पॉइंट अप ट्रेंड, बिल्कुल अप ट्रेंड में फॉर्मेशन हुआ है इस पार्टिकुलर कैंडल का, ठीक है, पहला पॉइंट सेटिस्फाई कर गया। दूसरा गैप अप, यानी ये कैंडल आपका गैप अप ओपन हुआ, मतलब इससे पहले जो भी कैंडल है उसका हाई, ओपन, क्लोज सब कुछ प्रीवियस कैंडल से ऊपर होना चाहिए, डैट मीन्स टू गैप अप ओपन होना चाहिए। इस क्राइटेरिया को भी सेटिस्फाई किया। ओपन इक्वल टू क्लोज, यानी जिस पार्टिकुलर प्राइस पे ओपन हुआ उसी के आसपास क्लोजिंग देना चाहिए। तो देख सकते हैं ओपन और क्लोज दोनों लगभग यहाँ पे बराबर ही है। उसके बाद कैंडल का साइज स्मॉल होना चाहिए, देख सकते हैं कैंडल का साइज काफ़ी छोटा सा है। तो ये तीसरा और चौथा क्राइटेरिया को भी सेटिस्फाई कर गया। रेजिस्टेंस लेवल के पास बन रहा है कि नहीं बन रहा, अगर हम यहाँ पर देखें तो इस लेवल के आसपास आपको एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन दिखेगा और आगे भी है, यानी ये आपका रेजिस्टेंस लेवल के पास बन रहा है। और जैसे रेजिस्टेंस लेवल के पास बनता है इसका एक्यूरेसी लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज होकर लगभग 80% के करीब हो जाता है। यानी ये मेरा 5 क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। और इस क्राइटेरिया को आपको नोट कर लेना, बार बार जब भी ऐसा फॉर्मेशन हो तो यहाँ पे आपको इस 5 क्राइटेरिया को ध्यान रखना, इनमें से कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं करता है। तो क्या करेंगे, ये जो मैथड हम यूज़ कर रहे हैं, जो इसके बेसिस पे बाई साइड की तरफ नहीं जाना है, वो मैथड हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद ये हमारा जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ पर काम नहीं करने वाला है। तो अब यहाँ पे देखिए सारा कुछ हो गया है। अब यहाँ पे हमें ये कैंडल बनने के बाद क्या करना, बाइंग यानी बाई साइड को एवॉइड करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम ट्रैप में फंस सकते थे और उसके कारण से लॉस हो सकता था, वो लॉस से हम बच गए। पहला बेनिफिट तो हमें मिल गया। अब दूसरा बेनिफिट यहाँ पे हमें कैसे मिलेगा, इसका हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी बाई साइड की तरफ नहीं जाना, मतलब मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगा। और जब भी ऐसा फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका टॉप फॉर्मेशन का हिंट देता है। तो कॉन्सेप्ट पे आते हैं, लेकिन उससे पहले इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या, हम इसके बेसिस पे क्यों नहीं जाते हैं। तो देखिए मार्केट आपका अप ट्रेंड में, कैंडल में स्ट्रेंथ है, उसके बाद मार्केट आपका गैप अप ओपन हुआ है, और गैप अप ओपन होने के बाद जिस प्राइस पे ओपन हुआ है वहीं पर क्लोजिंग दिया। वहीं पर क्लोजिंग देने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो सेलर है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, यानी सेलर्स क्या कर रहे हैं, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और बायर में स्ट्रेंथ था तो क्या हो रहा है, बायर्स का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रहा है, यानी बायर्स यहाँ पे वीक हो रहे हैं, बायर्स यहाँ पे कमज़ोर हो रहे हैं। तो बायर्स कमज़ोर हो रहे हैं, सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं और सेलर्स अपना स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, मार्केट यहाँ से नीचे साइड की तरफ मूव दिखा सकता है। और यही कॉन्सेप्ट है, यही लॉजिक है जिसके बेसिस पे यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या सेल साइड की तरफ जा सकते हैं, उसके लिए अगर ये आपका पाँचवा पॉइंट जो मैंने बताया था रेसिस्टेंस लेवल के पास फॉर्म होता है तो यहाँ पे हम इसका दूसरा बेनिफिट उठा सकते हैं और सेल साइड की तरफ जाके प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन अगर ये आपका रेसिस्टेंस लेवल के पास नहीं बनता है तो फिर हम क्या करेंगे, बाय पोजीशंस को अवॉइड करेंगे और उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। रेसिस्टेंस लेवल के पास बनेगा तो यहाँ पे हम डुअल फायदा उठाएंगे और सेल साइड की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए सेल साइड की तरफ हम कैसे जाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बाइंग मोमेंटम रहता है तो कभी कभी इसके नेक्स्ट कैंडल जो फॉर्म होता है उसका हाई इस कैंडल के हाई के ऊपर पहुंच जाएगा। तो इस कैंडल का हाई या फिर इसके बाद जो कैंडल फॉर्म होता है उसका हाई अगर इसके हाई के ऊपर बनता है तो उन दोनों में से जो भी हाई है उसको हम यहाँ पे एज ए स्टॉप लॉस की तरफ रखेंगे। यानी सबसे पहला मेरा स्टॉप लॉस क्लियर हो गया, उसके बाद एंट्री हम कब लेंगे। अब इस कैंडल के लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक करके नीचे आता है तो वही मेरा क्या बन जाएगा, वही मेरा यहाँ पर बन जाएगा एंट्री पॉइंट और यहाँ पर हम सेल साइड की तरफ एंट्री लेंगे। यानी स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट मेरा क्लियर हो गया। अब टारगेट प्राइस, टारगेट प्राइस मेरा क्या होगा, प्रीवियस स्विंग लो मेरा टारगेट प्राइस होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ कैंडल यहाँ पे आपका एक स्विंग लो का फॉर्मेशन किया तो ये मेरा पहला टारगेट हो जाएगा और दूसरा टारगेट मेरा इस पर्टिकुलर लेवल पे होगा। और उससे पहले बात करें तो यहाँ पे भी मेरा एक टारगेट प्राइस बनता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर सिर्फ मेरा T1 यानी टारगेट 1 को हिट किया और देख सकते हैं ऑल द वे आपका मेरा एंट्री कहाँ पे लिया, लगभग हम 38,500 करीब यहाँ पे हमने सेल साइड की तरफ एंट्री लिया। ऑल द वे यहाँ से कितना गिरावट दिखा है, लगभग आपका 37,000 और इनफैक्ट उससे भी नीचे 36,500। तो लगभग आपका 2,000 पॉइंट का गिरावट दिखा है और 2,000 पॉइंट का गिरावट बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाता है। जनरली लोग 500 पॉइंट पर ही प्रॉफिट बुक करते हैं, 2,000 पॉइंट का तो कोई वेट भी नहीं करेंगे, उससे पहले ही प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। अब हम इन सब को कैसे आइडेंटिफाई किया और कैसे प्रॉफिट बुक किया, तो वही 5 क्राइटेरिया ध्यान में रखना है। और इसके बेसिस पे आपको डुअल बेनिफिट मिलेगा, ट्रैप से भी बच सकते हैं और ट्रैप के जगह पे आप एक्स्ट्रा बेनिफिट उठा सकते हैं, सेल साइड की तरफ जाके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीपल एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आपको और क्लियरिटी से समझ में आए। अब हम यहाँ पे HDFC के डेली चार्ट पे आते हैं। ये आपका HDFC बैंक नहीं है, HDFC लिमिटेड है। अब यहाँ पे भी देखिए जून 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट अप ट्रेंड यानी पहला पॉइंट सेटिस्फाई, दूसरा है आपका गैप अप ओपन होना चाहिए, गैप अप ओपन हुआ है। अब एक और चीज़ है, ये जो कैंडल आपका गैप अप ओपन होता उससे पहले जो भी कैंडल फॉर्म होता उसका कलर ग्रीन होना चाहिए, ये भी क्राइटेरिया है। अब बॉडी साइज कुछ भी हो लेकिन एनी हाउ ग्रीन कैंडल होना चाहिए। ग्रीन कैंडल कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन उससे पहले ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होना जरूरी है। तो दूसरा पॉइंट गैप अप ओपन दिया, ठीक है। तीसरा पॉइंट कैंडल के साइज छोटा है, ठीक है। उसके बाद ओपन इक्वल टू क्लोज दोनों बराबर है, ये भी बराबर है। क्या डिस्टेंस लेवल के पास फॉर्मेशन किया। अब देख सकते हैं ये जो लेवल है ये आपका एक क्रूशियल लेवल है जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल में बार बार कन्वर्ट हो रहा है। तो एक ये क्रूशियल लेवल के पास फॉर्मेशन हुआ है तो इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, बाइंग अवॉइड करेंगे, हम सेल साइड की तरफ जाना प्रेफर करेंगे। और उसके अलावा अगर आप इस पार्टिकुलर कैंडल को ध्यान से देखेंगे तो ये आपका छोटा सा क्या बना, ग्रेव स्टोन डोजी बना और रिजेक्शन फ्रॉम द क्या हो रहा, टॉप हो रहा। मतलब ये हिंट दे रहा है कि यहाँ पे हमारा क्या फॉर्मेशन हो गया, टॉप फॉर्मेशन हो गया। यानी यहाँ पे हमें मल्टीपल हिंट मिल रहा है। तो आप कोई भी स्प्रेड इस्तेमाल कर लो जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था या फिर अभी जो बात करें उसके बेसिस पे भी यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो टॉप फॉर्मेशन हो गया। और क्या करेंगे, इसके लो को ब्रेक करके नीचे जाएगा, हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ एंट्री लेंगे। कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल है, बस आपको इम्प्लीमेंटेशंस पे ध्यान देना। अलग अलग सिचुएशन आपको मिलेगा, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको इम्प्लीमेंटेशन में फोकस करना। सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे प्रॉफिट बना लेंगे, इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ी होगा, स्ट्रेटजी कुछ भी यूज़ कर लो प्रॉफिट बनाने में दिक्कत आएगा। तो यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ एंट्री लेंगे, ये मेरा एसएल के रूप में काम करेगा। टारगेट प्राइस प्रीवियस स्विंग लो बताया था, ये मेरा क्या होगा टारगेट 1। उसके बाद अगर हम बात करें तो इससे थोड़ा सा नीचे या फिर इसी के आसपास आप टारगेट 1 बुक करके निकल भी सकते हो। यानी ऑल द वे ये लगभग गिरावट कहाँ से दिखा है, लगभग ये आपका 2330 के लेवल से हमने यहाँ पे सेल किया था और ऑल द वे वहाँ से नीचे गिरते हुए 2100 के आसपास आया, जहाँ पे हम क्या कर लेंगे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। यानी तो उसके बाद चाहो तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस्तेमाल करके और नीचे साइड की तरफ जा सकते हो। तो प्रॉफिट बुक करने का बहुत सारा तरीका है, बस मार्केट आपके फेवर में आना चाहिए और मार्केट आपके फेवर में अच्छा खासा आया है। लगभग यहाँ पे अगर हम परसेंटेज की बात करें तो लगभग आपका 10% के करीब यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिला और 10% गिरावट बहुत ज़्यादा होता है। लोग इतना तो वेट भी नहीं करते, प्रॉफिट अर्ली बुक करके निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हम और एग्जांपल पे आते हैं। अब यहाँ पे हम निफ्टी पे आते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ सेम क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए अप ट्रेंड है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक जो मैंने आपको पहला कैंडल बताया था कि कभी कभी क्या हो सकता है, इसके बाद अपसाइड मोमेंटम है तो उसके बाद जो भी कैंडल फॉर्म होता है उसका हाई इस वाले कैंडल हाई से ऊपर बन जाएगा और सबसे पहले ये आपका हाई बनाएगा, उसके बाद नीचे आके लो बनाएगा, क्योंकि ये आपका क्या बना है, ओपन इक्वल टू हाई क्राइटेरिया को फुलफिल किया। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, इस पार्टिकुलर पॉइंट पे स्टॉप लॉस नहीं होगा, ये जो पॉइंट है ये मेरा एसएल के रूप में काउंट करेगा और उसके बाद नीचे आया तो नीचे यहाँ पर हम इस पार्टिकुलर लेवल पर क्या करेंगे, एंट्री लेंगे सेल साइड की तरफ। यानी यहाँ पे जो हम सेल साइड की तरफ एंट्री ले रहे हैं वो पार्टिकुलर लेवल मेरा क्या होगा, लगभग आपका इस पार्टिकुलर लेवल पे अगर हम बात कर लें कि लगभग मेरा 18,400 करीब हो रहा, यानी 18,400 के आसपास यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ एंट्री ले रहे हैं और ये ऑल द वे गिरावट दिखाया है और लगभग ये आपका 17,700 के लेवल को टच किया। यानी यहाँ से डायरेक्ट आपका 700 पॉइंट का गिरावट दिखा है। तो निफ्टी में जनरली 100 पॉइंट का प्रॉफिट ही बहुत ज़्यादा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दिया। अब इससे आपको इंट्राडे में क्या बेनिफिट हो सकता है, हम और एग्जांपल पे आएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इंट्राडे और BTST जो लोग ट्रेडिंग करते हैं इसके बेसिस पे क्या प्रॉफिट होगा। आपको क्या पता चल गया कि अपसाइड ट्रेंड जो था वो यहाँ पर टॉप फॉर्मेशन कर दिया, अब जो ट्रेंड है वो डाउन साइड की तरफ है। अगर आपने सही ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया तो यहाँ पे आप इंट्राडे में भी प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने गलत ट्रेंड आइडेंटिफाई किया है तो क्या होगा, इंट्राडे में आपको लॉस हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, आप बहुत सारा स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल ऑन वाइज, जैसे ही थोड़ा बहुत आपको बाउंस बैक दिखे वहाँ पर आपको सेल करना है, या नहीं तो आपको सेल साइड की तरफ जाना ज़्यादा प्रेफरेंस देना है, क्योंकि ट्रेंड सेल साइड की तरफ है और अगर आप ट्रेंड के साथ जाएंगे तो आपको प्रॉफिट आसानी से बनेगा, ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे तो प्रॉफिट मिलने में दिक्कत होगा। तो इसलिए अगर आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बेसिस पे इंट्राडे हो या BTST हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग हो या फिर ऑप्शंस या फिर फ्यूचर्स हो, कहीं पे भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं, फिर आपके प्रॉफिट बनाने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको ट्रेंड और सेंटिमेंट फाइंड करना, फिर आप कोई भी ट्रेडिंग आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, यहाँ पे हम वेदांता पे आते हैं, देख सकते हैं वेदांता का डेली चार्ट पे यहाँ पे हम आ गए। अब यहाँ पे क्या, प्राइस आपका अपसाइड की तरफ गया है, गैप ओपन हुआ, कैंडल का साइज छोटा है, ओपन इक्वल टू क्लोज को अगर हम यहाँ पे देखें तो उसमें कितना डिफरेंस है हम देख लेते हैं। ओपन हुआ है ये आपका 306 के करीब और क्लोजिंग दिया 305 के करीब, यानी ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ, इस पार्टिकुलर लेवल पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे और उसके बाद अगला कैंडल ही क्या हुआ, आपका ऊपर निकला और यहाँ पे जो हाई बनाया है वो पहले हाई नहीं बनाया, बाद में हाई बनाया, यानी यहाँ पे मेरा क्या होगा, SL हिट होगा। और यहाँ पे देखिए अगर SL भी हिट हो रहा तो लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट यानी उसी प्राइस के रेंज के आसपास SL हिट कर रहा है, ज़्यादा मेरा नुकसान नहीं हो रहा। तो यहाँ पे अगर आपका बाई चांस SL हिट भी होता है तो आपको जो लॉस होगा वो काफ़ी स्मॉल लॉस होगा, ज़्यादा बिग लॉस यहाँ पे नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको ये भी एग्जांपल दिखा जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होता हुआ दिखेगा, या यहाँ पे नहीं होगा तो आगे आपको इस पे या फिर इस पे स्टॉप लॉस हिट होता हुआ दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसलिए मैंने बोला कि इसका एक्यूरेसी लेवल लगभग आपका 80% करीब है, यानी 10 ट्रेड लेंगे तो उसमें 2 ट्रेड में आपको नुकसान भी उठाना पड़ेगा, वो भी चीज़ आपको ध्यान रख के ट्रेड लेना। और हमेशा जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो एक और फैक्टर आपको देखना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मैं बताऊँ या ना बताऊँ ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट मान के चल लेना है कि जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखिए ये सेटिस्फाई करेगा, फाइनल डिसीजन हमारा इसी के बेसिस पे आएगा। उसके बाद एक और एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं, मल्टीपल एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखिए LNT के डेली चार्ट पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, मैंने क्या बोला पहला क्राइटेरिया क्या है कि मार्केट आपका अप ट्रेंड में होना चाहिए, अप ट्रेंड में है। दूसरा गैप ओपन होना चाहिए, यानी प्रीवियस कैंडल से ऊपर इसका ओपन हाई लो क्लोज होना चाहिए। क्या यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे प्रीवियस कैंडल को टच कर दिया है, तो जैसे ही टच करेगा ये हमारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं किया तो यहाँ पे हम जो स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर देते हैं उसको यहाँ पे हम एवॉइड करेंगे। अब मार्केट का सेंटिमेंट उसी तरफ है, लेकिन हमारे क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया, इसलिए हम यहाँ पे ट्रेडिंग एवॉइड करेंगे। आप इसको एज ए लर्निंग पर्पस के लिए ले सकते हैं, या नहीं तो मार्केट अगर आपका नीचे साइड की तरफ आता तो फिर आप चाहो तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हो सेल साइड की तरफ, लेकिन यहाँ पे जाना थोड़ा सा रिस्की होगा क्योंकि जो क्राइटेरिया हमने सेट किया उस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो कि रियल टर्म्स में आपको ट्रेडिंग में बेनिफिट दे सकता है। सो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।